हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं राशिद आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ कुछ यूनिक और मजेदार एप्लीकेशन। टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो लिस्ट में पहला एप्लीकेशन है मैजिक कॉल। जी हाँ, मैजिक कॉल। इसमें आप कॉल के दौरान बात करते करते उसमें साउंड चेंज कर सकते हो आप। बहुत ही मज़ेदार फीचर है और किसी के लिए भी ये कर सकते हो आप। किसी भी नंबर पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, एक हद तक प्रो मेंबर लगता है आपको, जो कि आप रिफ़र करते हो किसी को, तो रिफ़र करने के बाद आपको लगभग प्रो मेंबर बना देता है ये एप्लीकेशन। तो जैसे ही आप मैजिक कॉल को इंस्टॉल करते हैं, आपको कंट्री के द्वारा सिलेक्ट करने के बाद आप अपने नंबर पर रजिस्टर्ड कीजिएगा। ओटीपी आएगा, ओटीपी सेट करने के बाद आप ये एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। मैंने खुद ट्राई किया है, इसमें पूरा साउंड जो है वो पूरा बदल जाता है। इसमें साथ साथ ही वो साउंड जो है आप जो बोलते हो वो तुरंत अगले जो कॉल पर हैं उनको अलग आवाज़ सुनाई देता है। मैंने ट्राई किया है, आप भी ट्राई कीजिए, बताएगा आपको ये मज़ेदार एप्लीकेशन कैसा लगा। जैसे ही आप कॉल कनेक्ट करते हो, इसमें गेम का भी हब है, वो सारा ऑप्शन आपको दिखाई मिलेगा। ट्राई कीजिए मैजिक कॉल एप्लीकेशन, बताएगा आपको ये एप्लीकेशन कैसा लगा। दूसरा एप्लीकेशन है हमारा शू साइज़ कन्वर्टर। जी हाँ, इससे पहले बहुत बार ये प्रॉब्लम होती है कि जब भी अमेज़न से या फिर कहीं से भी आप अपने शूज़ को मंगाना चाहते हैं, जूता खरीदना चाहते हैं, तो उसमें आपको एक साइज़ का प्रॉब्लम आता है कि आपको नहीं समझ में आता है कि कौन से साइज़ का आपको फिट आएगा या फिर कौन से साइज़ का आप लेना चाहते हो। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है और किसी भी कंट्री का अगर शू साइज़ उन लोग फॉलो करते हैं, शूज़ कंपनी वाले, यूके हो या फिर यूएई हो या फिर यूएस हो, ये सारा साइज़ आपका सारा कंट्री का अलग अलग होता है। तो आप अगर समझना चाहते हैं कि एक कंट्री में जैसे कि आपका शू साइज़ क्या है सारे कंट्री के हिसाब से, तो आपके लिए ये एप्लीकेशन है शू साइज़ कन्वर्टर। एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आप अपने पैर के छाप देने के बाद आपको उसमें लंबाई का इंच निकालें कि इतने इंच का है, और उसके बाद आप सिर्फ इस एप्लीकेशन में कितने इंच का है वही बताना है आपको। वो सारा कुछ कन्वर्ट करके आपको दे देगा कि इस कंट्री का अगर आप शूज़ ले रहे हो या फिर इस कंट्री का अगर वो शूज़ कंपनी साइज़ फॉलो कर रहा है तो आप इस साइज़ का लीजिए, और अगर इस कंट्री का ले रहे हैं तो इस साइज़ का लीजिए। सो सिंपल। तीसरे एप्लीकेशन की तरफ, ये भी काफ़ी मज़ेदार एप्लीकेशन है जिसका नाम है एक्वा इन्फो। जी हाँ, एक्वा इन्फो। अगर आपको मछली पालने का शौक है, जी हाँ, घर पे सजाने का शौक है, खाने का नहीं है, सिर्फ आप एक्वेरियम में सजा कर रखना चाहते हैं, तो ये एप्लीकेशन आपके लिए है। इस एप्लीकेशन में आपको टोटल हर एक चीज़ का इंफॉर्मेशन मिलने वाला है एक्वेरियम के लिए। तो आप अगर आप मछलियों का शौक़ रखते हैं सजाने के लिए एक्वेरियम में, तो ये एप्लीकेशन आपके लिए है। और इस एप्लीकेशन में वो सारा डिटेल आपको मिलेगा जो जो आप जानना चाहते हैं, हर एक चीज़, हर एक मोटर, हर एक पानी, कितना लीटर पानी होना चाहिए, किस मछली में क्या क्या खाया जाता है, क्या क्या नहीं, वो सारा ये एप्लीकेशन वो सारी जानकारी आपको देने वाला है। हर एक चीज़ का इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाला है और इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। इसमें एक कैमरा का ऑप्शन मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे कि आप कैमरा में उस फिश की फ़ोटो को क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन में सर्च कीजिएगा तो उस फिश के बारे में पूरा डिटेल मिल जाएगा आपको। जी हाँ, किस तरह से आप इसे रख सकते हैं, किस तरह से इसकी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, वो सारा डिटेल आप एक फ़ोटो क्लिक से जान सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन एक्वा इन्फो, ये काफ़ी ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो एक्वेरियम घर पे यूज़ करते हैं या फिर कहीं पे भी यूज़ करते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं अगले एप्लीकेशन की तरफ जिसका नाम है हाउस बुक। जी हाँ, हाउस बुक। अब आपके अपने घर का किताब, इसे आप समझ सकते हैं और इसमें आप हर एक इन्फॉर्मेशन सेव कर सकते हैं। होता क्या है ना कि आप अगर मेरे जैसे याददाश्त रखते हैं आप, तो मेरे साथ ऐसा होता है कि आप घर पे कहीं पे भी अगर कोई सामान आपको मान लो 2-3 महीने में यूज़ करना होता है, तो या फिर 2-3 महीने में आपको लगते हैं, तो आप
मेरे साथ ऐसा होता है कि दो तीन महीने जब उसे यूज़ नहीं करना है तो उसे मैं अच्छे से रख देता हूँ। अब उसके बाद जब ज़रूरत पड़ती है तो मिलता ही नहीं है वो, तो दो तीन महीने के बाद आपको याद नहीं रहता कि हाँ इस चीज़ को मैंने रखा कहाँ था। तो इसके लिए मैंने एक एप्लीकेशन ढूंढा है खुद के लिए, और ये मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि क्योंकि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि आप किसी भी सामान को रख कर उसे ढूंढना बहुत ही दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो इसके लिए ये एप्लीकेशन है हाउस बुक, इसमें आप हर एक सामान को सेव करके रख सकते हैं और उस सामान कहाँ पे है ये एप्लीकेशन आपको बता देगा। काफ़ी यूनिक एप्लीकेशन लगा और काफ़ी ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रख कर इधर उधर रख कर भूल जाते हैं। तो ये एप्लीकेशन आपके लिए है। हाउस बुक में आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर सकते हैं जो कि आप जिसमें आपको प्राइम मेंबर लगते हैं, जैसे प्राइम यूज़र के लिए आपको कुछ चार्जेस हैं इसमें। अगर आप इसे नहीं भी यूज़ करें तो आराम से यूज़ कर सकते हैं मेरे जैसे फ्री में। तो अगर आप इसे प्राइम मेंबर यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें आपको ऐड भी नहीं मिलेंगे और एक चीज़ के आप दो तीन इमेज भी सेव कर सकते हो आसानी से इस प्राइम मेंबर के ज़रिए। तो बताइए आपको ये एप्लीकेशन कैसा लगा। पढ़ते हैं दूसरे एप्लीकेशन की तरफ जिसका नाम है डार्किनेटर। जी हाँ, डार्किनेटर ये एक वॉलपेपर एप्लीकेशन है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता है, आपको सिर्फ अपने फ़ोन के थीम चेंज करने से आपका वॉलपेपर का कलर चेंज हो जाता है। सेम वॉलपेपर कलर चेंज हो जाता है, डार्क में डार्क वाला वॉलपेपर और लाइट में लाइट वाला वॉलपेपर आपके थीम के हिसाब से तुरंत खुद ब खुद ये चेंज कर देता है। काफ़ी आसानी से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो डार्किनेटर काफ़ी मज़ेदार और सिंपल सा वॉलपेपर एप्लीकेशन है। डार्क और लाइट आसानी से आप चेंज कर सकते हैं और इसमें आप खुद का इमेज भी फिक्स कर सकते हैं ताकि आप आसानी से जब भी थीम चेंज करें तो आपका खुद का वॉलपेपर आ जाए या फिर आप जो लगाना चाहते हैं वो आ जाए। तो यही था चौथा एप्लीकेशन। बढ़ते हैं पांचवें एप्लीकेशन की तरफ जो कि काफ़ी मज़ेदार है और ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, इसलिए मैंने लास्ट में रखा है। एप्लीकेशन है कि जब भी आपको कुछ भी बांधना हो आपस में, दो रस्सियों को या फिर दो डोरी को या फिर कुछ भी हो, दो चीज़ को आपस में बांधना हो या फिर आपको किसी और तीसरी चीज़ के लिए आपको बांधना हो, तो ये एप्लीकेशन आपके लिए है। और मुझे खास करके नहीं समझ में आता कि मैं इसे किस तरह से बांधूँ, जैसे तैसे कुछ भी कर सकता हूँ मैं। लेकिन अगर आपको इसे सिस्टम के द्वारा चलना है और काफ़ी मजबूत तरीके से इसे यूज़ करना है तो ये एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। इसमें आपको हर टाइप का बांधना सिखाया जाएगा, वो भी 3D में आसानी से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप वीडियोज़ को स्टार्ट कीजिएगा तो उसमें आपको स्लोली बताया जाएगा, इस स्पीड को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो जिस स्पीड में आपको वीडियो देखना है उस स्पीड से आप देख सकते हैं और साथ साथ उसे ट्राई भी कर सकते हैं। काफ़ी मज़ेदार एप्लीकेशन है। आप इसे जैसे ही जैसे जैसे एप्लीकेशन में घुमाया जाता है, इधर से उधर से कहीं से भी घुमा सकते हैं। घुमाने के बाद आपको देखिएगा एंड में कि काफ़ी मजबूत बन जाता है वो, और काफ़ी यूनिक एप्लीकेशन भी है ये, क्योंकि इसमें आपको लगभग 250 से 300 तरीके के बांधना सिखाया गया है और भी सारा 3D में। उसके बाद उसमें आपको नोट भी मिलते हैं कि आप अगर वीडियो ना समझ पाएँ तो आप इसको ऐसे बांधने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, क्या चीज़ को कैसे बांधना ही नहीं समझ पाता है। तो ये एप्लीकेशन आपके लिए है। और इसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये एप्लीकेशन में फ्री में नहीं है, ये इसमें चार्जेस भी लगते हैं, काफ़ी महंगा एप्लीकेशन है। तो कुछ तो है अंदर में, देखते हैं क्या होता है, बताइएगा आपको ये एप्लीकेशन कैसा लगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप अगर ठीक नहीं होंगे तो मेरे वीडियोस कौन देखेगा।